तो ये वीआईपी बर्गर है जिसमें इन्होंने कैबेज क्या क्या है इसमें वैसे देखते आओ कुछ नया लग रहा है इसका चिकन अलग यहाँ पर बनाएगा तो ले लो पहले नॉर्मल ले लो फिर उसका ले लो हाँ ले लेते अरे What's up, beautiful people? This is your boy Mukim Khan, and I'm back again with a new video. Today, there's some special person with me, so you can see him, Alfaiz. Hello. So, bhai ka channel hai Al A Vlogs karke. A Vlogs karke. मतलब A Vlogs आप पहले अभी Alfaiz करके डाल लेंगे भाई. मेरी copy कर रहे. तो bhai ka motivation मैं ही हूँ. So, bhai मेरे वजह से ही YouTube का है. एकदम सही है. He is absolutely right. तो भाई को मैंने ही बोला इंसिस्ट किया भाई प्लीज वीडियो स्टार्ट करो यूट्यूब पे यू आर अ बीएमएम स्टूडेंट सो यू कैन स्टार्ट अवर यूट्यूब चैनल आई एम आल्सो अ बीएमएम स्टूडेंट सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय चैनल बिफोर अ ईयर यू आर टू लेट दैट्स व्हाई आई हैव 260k सब्सक्राइबर दिस इज अ जोक दैट्स सपोर्ट अ जोक नाउ कम टू द पॉइंट सो अभी हम लोग जा रहे हैं इंडियन बर्गर खाने जैसे आप सबको पता है इंडियन बर्गर क्या होता है इंडियन बर्गर क्या होता है इंडियन बर्गर इज बेसिकली लाइक अ वड़ा पाव यू कैन से तो इंडियन बर्गर जो होता है वो वड़ा पाव होता है तो प्लेस का नाम क्या है अल्पेश भाई आप मेरे को लेकर जा रहे हो लोकेशन इज ऑन लोअर परेज जुगाड़े द श्रीराम मिल बेस्ट वड़ा पाव इन मुंबई तो वहाँ पे जाते हैं अभी डोंट फॉरगेट टू ओके इनवाइन हमको ट्रैफिक में रोक दिए ले मैंने रोका भाई यहाँ की गवर्नमेंट ने रोकी है सिग्नल की वजह से घंटा गवर्नमेंट ने रोके लिए दुनिया भर की बात कर रहे यहाँ पे बैठे बैठे देखो कभी भी आप ट्रैवल करो बाइक से कार से कोई भी चीज़ से तो प्लीज आप रूल्स फॉलो करो हेलमेट बाइक से इसके लिए मैंने बोला मैंने लास्ट कार ड्राइविंग कर तो सीट पर प्लीज आप बांध के रखोगे लोग कैसा है शो ऑफ करने के लिए हेलमेट नहीं पहनते शो ऑफ करने के लिए बहुत गलत बात है लोगों में समझ रहे और जो मैं कर रहा हूँ सब वो भी गलत है बाइक चलाते चलाते वीडियो शूट नहीं करना चाहिए नहीं तुम नहीं मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं मेरे लिए सही है आधा वीडियो के ऐसा ऐसा मैंने बहुत कहूँ तो मैं भी कह रहा हूँ जाने दो यार उतना चलता है उतना चलता है उतना कुछ नहीं होता है सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे श्री राम मिल है यहीं पे इसका लोकेशन है वड़ा पाव का जैसे वड़ा पाव वाले देख रहे हैं बोले एक्साइटेड हो गए भाई कौन आया वीडियो शूट करने के लिए तो पीछे उनका वो जो दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक खड़ी है बहुत सारे लोग खड़े हैं वहाँ पे तो वहाँ पे ही वड़ा पाव अपने को मिलेगा और बहुत सारी वैरायटी इधर मैंने फर्स्ट टाइम तंदूरी वड़ा पाव सुना पेरी पेरी वाला सुना वीआईपी और हम मचाएंगे सब वड़ा पाव मतलब अब देखना है वैरायटी बहुत है तंदूरी चटनी मेव चटनी किचन एक्सेट्रा बहुत सारे हम पक्का ट्राई करेंगे अभी वीआईपी आई थिंक सो एक्चुअली टॉप वेरिएंट है वीआईपी वड़ा पाव जो कि और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं टॉप वेरिएंट जो वीआईपी वो 30 rupees का है तो एकदम चीप है मतलब ज़्यादा बोलते ना एकदम हाँ मतलब चलो वी आई पी देखते कैसा दे रहा है तो मैं आपको मेनू कार्ड दिखा देता हूँ ठीक है हेलो सर वो भाई जब बनाएगा तो ले पहले नॉर्मल ले लो उसका ले लो तो ये वीआईपी बर्गर है जिसमें इन्होंने कैबेज बोल दे ना इसको और इसको क्या बोलते हैं कैप्सिकम और वेरियस टाइप ऑफ सॉसेस इन्होंने ऐड करे और बहुत मजेदार लगने वाला है खाओ ना भाई तुम टेस्ट मार दो जरा अरे नॉर्मल ही है इतना कुछ खास नहीं है मतलब नॉर्मल ही है सिर्फ चटनी जो डली है ना सॉस डली है सब उसका ही दे रहे फाइनली आफ्टर ऑल मुकिम भाई की राइडिंग के साथ इधर आ गए चर्च गेट नहीं गुलाबा ऑलमोस्ट गेटवे फाइनली हम गुलाबा पे राइड गुलाबा मतलब ये प्लेस का नाम गेटवे इंडिया चलता है यार गेटवे ऑफ इंडिया एक ही बात हो जाती है गेटवे इंडिया क्या सब्सक्राइबर प्लीज बताओ गेटवे इंडिया या गेट ऑफ इंडिया तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे आ चुके हैं
और ये जैसे देख सकते हो ये फाइव स्टार होटल है यहाँ का, ये होटल ताज ये है ओबेरा, ये ओबेरा और ये ताज है भाई, ये पीछे वाला ताज है, तो ये न्यू ताज है, वो ओल्ड ताज है, ठीक है? अरे उसमें कंफ्यूज मत होना, ये ओबेरा नहीं है, ट्राइडेंट होटल नहीं है ये। अरे ट्राइडेंट ऑब्वियसली सब्सक्राइबर हो, प्लीज गलत इन्फॉर्मेशन मत दो, जो यूट्यूबर्स आजकल है जो सब्सक्राइबर लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये मतलब ये ताज है, मतलब ये न्यू ताज है, न्यू ताज है, आपको एक चीज मालूम होना चाहिए सर, यू आर अ ब्लॉगर, यू शुड हैव अ इन्फॉर्मेशन। इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे मेरी यार, काटने वाला मैं नहीं, नहीं बेइज्जती नहीं हो रही। चलो फिर, तो फिर आगे जाते हैं, किधर जाने वाले, लोकेशन क्या है यहाँ से अपना? यहाँ से अपना लोकेशन थोड़ा ही आगे, जहाँ पे मेरी होटल है जनता, उसके जस्ट अपोजिट साइड पे एक मॉडर्न करके स्नैक एरिया है, तो वहाँ पे जाके शोरमा, इसकी एक नंबर लग रहा है मेरे को। जो बंदे ने गाड़ी चलाया ना, मजा आ गई यार, ऐसा कट 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 कट। तो सब्सक्राइबर को मैं वो होटल दिखा रहा हूं, जनता होटल जो ऊपर है, एक्चुअली ये होटल है ना? हाँ जनता होटल है, वहाँ पे आप रूम ले सकते हो, और फिर अभी अपन चलते थोड़ा खा लेते हैं। हाँ चिकन अलग यहाँ पर, और ये कैरेट है, कैरेट इतना बड़ा बड़ा। हाँ। बाप रे बाप, क्या गाना बज रहा है डांडिया का। और ये कैसा है, ये मतलब आपको हाइजीनिक रहेगा क्यों? कैसे मेरे हिसाब से ये जो लोग का प्रिपरेशन है, मतलब ग्लव्स पहनते हैं बनाने के टाइम पे, मतलब क्लीन है, मतलब हाइजीनिक है, आप स्ट्रीट पे खा रहे हो, रोड पे खा रहे हो बैठ के, बट क्लीन है, हाइजीनिक रहता है। ट्राई करने वाली चीज है। हाँ, ये ट्राई करने वाली चीज़ है। लोग भी है वो यहाँ पे आके विजिट करें, इनका मॉडर्न शोरमा जो है वो खा के देखे, और लच्छा पराठे में भी लोग देते हैं, बट हम लोगों ने खबूस में लिया, क्योंकि लच्छा पराठा ज़्यादा हैवी हो जाता है। लच्छा पराठा सब्सक्राइबर को मालूम होगा, इस करके भाई बाइट मारे, देखो काटूंगा मैं। अब कैसा लगा? एक नंबर का उपाड़ू है। हो गई बिलिंग, एवरीथिंग डन ब्रो। अरे भाई वीडियो बन गाइस, शोरमा खा लिए, टेस्टी था, एक नंबर था। ये कौन सी लोकेशन है? कोलाबा जो है वो कोलाबा पुलिस स्टेशन है, राइट, उसके जस्ट बाजू में मॉडर्न जू सेंटर, राइट। चलते फिर, सब्सक्राइब टू एम के ब्लॉग्स एंड लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अल्फेज ब्लॉग, लाइक द वीडियो, कमेंट। वैसे हम दोनों में फेमस ये यहाँ ज्यादा नहीं, फेमस मुकीम भाई है।